दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। तो ये अपना हमारा पहला चैप्टर है, इसके आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो आप उनको देखना भी ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे चैप्टर का नाम, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब देखिए, इसके नाम से पता पड़ता है कि फूड, खाना, ये कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में अपन ये समझेंगे, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज तुमने क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, ये पता करो कि तुम्हारे दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या तुमने कल या फिर आज वो जो तुम्हारे दोस्त ने खाया उसके जैसा सेम फूड खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, अपन अलग अलग समय पर अलग अलग खाने खाते हैं। देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी, यहाँ पे अपन को खाने की बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। इन द फूड दैट वी ईट, फिगर 1.1, अब अपन को ये फिगर 1.1 में लिखना है। मैं आपको फिगर 1.1 दिखा देता हूँ, ये है अपना फिगर 1.1। इसमें अपन को अपने स्टूडेंट या फिर फ्रेंड का नाम लिखना और उसने क्या खाया ये लिखना है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, अब ये सोचो कि ये फूड आइटम बने किस चीज से हैं। थिंक अबाउट राइस, अब अपन को चावल के बारे में सोचते हैं अपन, जैसे कुक्ड एट होम, जो अपने घर पे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर, अपन है ना कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको पानी में डुबोते हैं और फिर उसको पकाते हैं ना ऐसे। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, अपन को दो मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट्स ये राइस को बनाने के लिए नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिनको अपन अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी उसमें सारे वेजिटेबल्स और ये सब डालते हैं ना मसाले वगैरह, इसलिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, ये सब अपन को चाहिए होता है, कितने सारे वो चाहिए होते हैं। तो अब अपन की फर्स्ट एक्टिविटी क्या है ये भी पढ़ते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, वो एक दिन में क्या खाता है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, और तुम्हें ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स से पता करनी है। स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स, अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाने होते हैं ऑफ इंडिया के। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, अब अपन को एक नोटबुक लेनी है, उसमें ये सारे आइटम लिस्ट करने हैं। मतलब नोटबुक नहीं लेनी, मतलब अपन को फिगर में करना है 1.1 के। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने फ्रेंड आपके पॉसिबल हो सके। अब इन्होंने तीन ही दिए, किसी के ज़्यादा फ्रेंड हो किसी के कम हो, इसलिए। अब अपनी एक्टिविटी टू देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्ट इन टेबल वन, अब जो आइटम आपने टेबल वन में लिस्ट कर रहे हैं उन्हें लो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, अब उनको बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके, एंड एल्डर एट होम, अपने बड़ों से डिस्कस करके। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, अब अपन को उसको लिस्टेड करना है 1.2 में, जो ये है अपना, जैसे यहाँ पे लिखा है रोटी चपाती,
तो वो किससे बनेगा? आटा और वाटर, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन सॉल्ट भी यूज़ होता है। अब दाल, अब दाल किससे बनती है? पर्ल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इन सब से। अब देखिए कंटिन्यू करते हैं। सम एग्जांपल आर गिव वन या ऐड सम मोर आइटम। अब अपन को यहाँ पर और आइटम भी लिस्ट करने हैं, जैसे ये एक थर्ड ब्लॉक छोड़ रखा उसमें आप लिस्ट करते हैं। फिर देखिए, व्हाट डू, सॉरी, व्हाट डू वी फाइंड। अब तुमने क्या फाइंड किया? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, क्या तुमने कोई कॉमन इंग्रेडिएंट्स फाइंड करे फॉर डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग फूड आइटम में हो? डिस्कस इन क्लास, उसे क्लास में डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रीडियंट्स कम फ्रॉम। अब ये पता करो कि ये इंग्रीडियंट्स आते कहाँ से हैं। अब अपन ने इंग्रीडियंट्स के बारे में समझ लिया, अब इंग्रीडियंट्स भी तो कहीं से आते ही होंगे ना। फूड, अब देखिए फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब अपन फूड के मटेरियल समझेंगे और उनके सोर्सेज पता करेंगे। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रीडियंट। ये बहुत ईजी है फाइंड करना इंग्रीडियंट्स को, जो कहाँ से आते हैं। दैट वी लिस्ट इन टेबल 1.2, जो आपने लिस्ट करे टेबल 1.2 में इंग्रीडियंट्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2A। वेयर डू दे कम, वो कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम मतलब। प्लांट ऑफ सोर्सेज, अब प्लांट के सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्स, सॉरी कोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस। अब राइस का क्या सोर्स है? वीट, क्या वो वीट है? यू मे हैव सीन पाडा और वीट फील्ड, पाडा और वीट के फील्ड तो आपने देखे ही होंगे, विद रॉ एंड रॉ, जिसमें बहुत सारे रो होते हैं, और प्लांट, प्लांट के रो होते हैं ना ऐसे वाले, देखिए ऐसे रो नहीं है, ये 1 2 3 ऐसे 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 ये रो है ना, इसलिए। तो बहुत सारी रो होती है वहाँ पे, और प्लांट्स, प्लांट्स की, विच गेव अस दीज ग्रेन्स, जो अपन को ये ग्रेन्स देते हैं, फिगर 1.3। तो फिगर 1.3 देखते हैं आप, जैसे इडली है तो उसमें अपन को क्या चाहिए? राइस, अरद की दाल, सॉल्ट और वाटर। तो राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो अब जैसे सॉल्ट रिवर, ओशियंस, इन सब से आता है ऐसे यूं। फिर एंड देम देयर फूड लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। ये सब अपन को, ये जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, ये सब अपन को कहाँ से? मिल्क नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन ये अपन को एनिमल्स से मिलती है। जैसे यहाँ देखिए चिकन करी, ये इससे बनती है, चिकन से बनती है, स्पाइसेस से बनती है, ऑयल और घी से बनती है, और वाटर से बनती है। तो ऑयल और घी तो प्लांट्स से ही आएंगे, प्लांट्स और एनिमल, एनिमल के पास से अपन को दूध मिलेगा, दूध से अपन घी निकाल सकते हैं, और प्लांट्स ऑयल। अब अपन को जो अनफील्ड है वो आपको पता करना है, और आप मेरे को ये कमेंट्स में भी लिख के दे सकते हैं, सॉरी। जैसे मिल्क, ये अपन को एनिमल से मिल रहा है, राइस प्लांट से मिल रहा है, अब आप पता करें शुगर कहाँ से मिल रहा है, और ये आप मेरे को कमेंट्स में भी दे सकते हैं। देन अब अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी गुड फ्रॉम एक्टिविटी 3,
अब आपने एक्टिविटी 3 से क्या समझा, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जो प्लांट्स हैं वो सोर्सेज है फूड के। इंग्रेडिएंट, फूड और इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल प्रोवाइड्स, ये सब अपन को प्रोवाइड मिलते हैं। As with milk, meat, product, egg, cow, goat and buffalo. ये सब अपन को cow, goat, जैसे मिल्क के ये सब अपन को किन से मिलते हैं, काउ से मिलते हैं, गोट से मिलते हैं, बफेलो से मिलते हैं। आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, या कुछ कॉमन एनिमल्स है जो दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूज करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, अब आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा एनिमल है जो इन सब को छोड़ के भी दूध देते हैं, और ये आप मेरे को कमेंट्स में बताना, देखते किन किन के आंसर सही होते हैं। तो अब अपन प्लांट के बारे में देखते हैं, जैसे ये हैं इसके फ्लावर्स, फ्रूट, ये इसके फ्रूट, ये इसका स्टेम, ये लीफ, ये नूड और इंटरनूड और ये बड। तो इस पूरे सोर्स को अपन बोलते हैं शूट सिस्टम, और नीचे का जो रूट सिस्टम होता है, जैसे प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, जो रूट ऊपर की होती है वो प्राइमरी रूट, जो रूट नीचे की होती है वो सेकेंडरी रूट, और इन्हें अपन बोलते हैं रूट सिस्टम। अब देखिए 1.3 प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो देखिए प्लांट्स आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, प्लांट्स अपने एक सोर्सेस है फूड का, अपना एक ही सोर्स है प्लांट, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, अपन प्लांट को खाते हैं, मतलब उसके अलग अलग चीज़ें खाते हैं ना। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे अपन फ्रूट खाते हैं, उनकी लीव्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं ना, समटाइम्स तो अपन उनकी रूट खाते हैं। अब आप पूछोगे रूट कैसे खाएंगे, तो देखिए मूंगफली है तो वो तो ज़मीन के नीचे ही होगी ना, पटेटो है वो भी, अब देखिए फिगर 1.4 हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या तुमने पम्पकिन खाया है, सॉरी पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन अ, पम्पकिन फ्लावर खाया है डिप्ड इन अ राइस, उसे राइस में डिप करो, मतलब फ्लावर को, पम्पकिन फ्लावर को डिप करो राइस में और उसका पेस्ट बनाओ, एंड ट्राई इट, उसे ट्राई करो। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडेबल, कुछ प्लांट्स जो दो या दो से ज़्यादा खाने के होते हैं, ईडेबल मतलब ईटेबल थिंग, पार्ट सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, लीव्स भी तो वेजिटेबल के तौर पे यूज होती हैं ऐसे। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना, क्या तुम डिफरेंट पार्ट बता सकते हो बनाना के, प्लांट दैट आर यूज एज फूड, जो फूड के तौर पे यूज होते। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड, तो ये आप मेरे को कमेंट्स में बताना। ये है अपना डायग्राम 4। देन अब अपन को क्या नहीं ट्राई करना चाहिए, पहले आप ये जान लीजिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, अपन को अननोन प्लांट्स टेस्ट करके नहीं देखने चाहिए। अराउंड टू सी दे आर एबल सम प्लांट्स कुड बी पॉइजन, देखिए अपन को अपने है ना आसपास के पत्ते खा के चेक नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले, इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना है। अब देखिए अपन समझेंगे आगे एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम
आइटम्स आर हैव लिस्ट इन टेबल 1.3, जो अपने लिस्ट कर रहे टेबल 1.3 में, चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, उनके इंग्रेडिएंट प्लांट से आते हैं, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो पार्ट भी है प्लांट के, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट इन द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शो इन टेबल 1.4, या अपन को टेबल 1.4 में शो करना है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स, अपन को कुछ ड्राई सीड्स लेने मूंग और चने के, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी, उन्हें कम थोड़े से कम रखने दाने इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में फील्ड के मतलब भगोने में, विद वाटर पानी के साथ, एंड लीव दिस असाइड फ्रॉम अ डे, उसे एक दिन के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल, तब अपन को वो सीड लेने, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, और उसे वेट क्लोथ में मतलब सूखे कपड़े में रखना है, क्लोथ एंड सेट असाइड द फॉलोइंग डे, उसे छोड़ देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, क्या तुमने फिर कोई चेंज देखा, अ स्मॉल वाइट स्टेम मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, ये ऐसे वाइट वाइट से ऐसे ये निकल के आ जाएंगे, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अब ये सीड स्प्राउटेड हो चुके हैं, फिगर 1.5 एंड 1.6, इफ नॉट वॉश्ड द सीड, अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें वॉश करो, वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, फिर से ऐसा करो अगर ऐसा नहीं होता है, और फिर सॉरी कन्वर्ट विद अ वेट क्लोथ, उतने फिर से सूखे कपड़े से ढक दो, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड है स्प्राउटेड, फिर अगले दिन वो स्प्राउटेड हो जाएंगे, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड, फिर उन्हें वॉश करो सीड को, यू कैन ईट देम, अब अपन उन्हें खा सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बॉइल्ड, उन्हें पका के भी खाया जा सकता है, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, उसमें कुछ मसाले डाल के अपन को एक टेस्टी स्नैक मिल जाता है खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स, अब आपको पता है हनी कहाँ से आता है, फ्रॉम और हाउ इट प्रोडक्टेड, ये प्रोडक्टेड कैसे, हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट बीज, क्या तुमने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिना रही होती है, बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज जो है नेक्टर कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड, उसे कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी ये नेक्टर कलेक्ट करती है कन्वर्टेड इनटू हनी, जिससे उसको हनी में कन्वर्ट कर सके, एंड स्टोर इन देयर हाइव, और उन्हें अपने घर में स्टोर करके रखती है, फिगर 1.7, फ्लावर एंड देयर नेक्टर, फ्लावर और उनके नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर, वो पार्ट ऑफ अ ईयर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ उन्हें बचा के रखती है, वो नेक्टर को स्टोर करके रखती है फॉर देयर यूज, उनके यूज के लिए, ऑल दो दे द ईयर वेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और वो हनी होता है, अब वॉट डू एनिमल ईट, अब एनिमल्स भी तो कुछ खाएंगे ना, डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ अ डॉग कैट बफेलो और अ गोट, क्या तुमने इनकी कभी, क्या ये तुम्हारे पास है, क्या तुमने इनकी केयर करी है कभी, तो तुम्हें ये भी पता होगा, इट इज ऑल्सो गिव
फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल, ये अपन को फिल इन द ब्लैंक में दे रखे हैं टेबल के। वन मिनट, यू विल द सक्सेसरली बी अवार ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स, तो तुम्हें इन सब के खानों के बारे में भी बताओगा। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स क्या खाते हैं। यू हैव ऑब्जर्व वॉट अ स्क्विरल, क्या तुमने एक स्क्विरल को ऑब्जर्व किया है, जो फिगर 1.8। पिजन लेजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो इन सबको अपने फूड के तौर पर खाती है। अब एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, जो टेबल 1.5 में लिस्टेड हैं फॉर सम द टाइप ऑफ फूड दे, जैसे बफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रीन्स। कैट क्या खाती है, एनिमल, बर्ड, मिल्क, स्मॉल एनिमल्स, एनिमल्स नहीं स्मॉल एनिमल्स। अब एक्टिविटी 7, हैव यू लुक एट टेबल 1.5, क्या तुमने टेबल 1.5 में एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर, उन्हें ग्रुप करो एज फॉलोइंग, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्रोडक्ट इन ग्रुप, उन्हें अपन रखेंगे वन में, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, अपन इनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, जो से प्लांट्स खाते हैं। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप टू, उन्हें अपन ग्रुप टू में रखते हैं। दिस एनिमल आर कॉल्ड कर्बीवोरस, कर्निवोरस, जो सिर्फ मीट खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लेस दैम ग्रुप थ्री, उन्हें ग्रुप थ्री में रखो। दिस आर कॉल्ड ओमनीवोरस, उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं, जो है ना हर्बीवोरस खाते वो है प्लांट, जो ओमनीवोरस मेरा मतलब कर्बीवोरस जो खाते वो है मीट, और जो दोनों खाते वो ओमनीवोरस। प्रिपेयर अ टेबल इन 1.6 एंड एंटर दीज स्पेंड इन देयर कॉलम्स हैज शो, जैसे काऊ, लायन, डॉग। काऊ क्या हो गई, हर्बीवोरस, लायन क्या हो गया, कर्बीवोरस, और डॉग क्या हो गया, ओमनीवोरस। तो ऐसे ऐसे कुछ और एनिमल्स के नाम आप लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, फूड वी नीड टू फाइंड बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोडक्ट इन द कंट्री दैट विल नॉट इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वे इंश्योर दैट दिस फूड मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।